24 नवंबर 1965 को प्रधानमंत्री आवास पर धार्मिक ग्रंथ गीता को जारी करते हुए उन्होंने कहा, जो गीता में जो लक्ष्य रखा गया है मनुष्य के लिए, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे वो भक्ति हो या ज्ञान, उसको कुछ उतारने का प्रयास करूं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग वह क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अपने जीवन में कोई भी जिम्मेदारी हो, कोई भी पद हो, कोई भी कार्य करे, तो उसमें यदि इसको कुछ साध सके कि दुख में बहुत दुखी न हो जाए, सुख में बहुत प्रसन्न न हो जाए, विफल न हो जाए, और क्रोध और आवेश से न भरे, उससे अलग हो, तो वो फिर एक जीवन को साधता ही नहीं है, बल्कि समाज का भी उससे एक मार्गदर्शन होता है हम सब के लिए। जो भी आज सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, उन पर इस बात का बोझा है कि वो किस ढंग से, किस स्तर पर अपना काम करते हैं। और मेरे विचार में जो गीता ने जो शिक्षा दी है और जो पाठ में पढ़ाया है, उससे और कोई ऊंची कोई शिक्षा हो या निर्देश हो, वो मुझे संभव नहीं जान पड़ता। गीता एक समन्वय है अनेक विचारों का, अनेक सिद्धांतों का। उसके लिए आवश्यक है कि वो गीता का अध्ययन करे, कुछ समझे, कुछ अपने जीवन को थोड़ा बहुत उस पर उतारने की कोशिश करे।